घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कुंभ घोटाले के सभी दस्तावेज प्रयागराज से लखनऊ मंगाए गए। प्रयागराज प्राधिकरण से सभी दस्तावेजों को लखनऊ भेजने का आदेश जारी। एलडीए सचिव की अध्यक्षता में होगी कुंभ घोटाले की जांच। बड़ी खबर है इस वक्त की, चार सदस्यों की टीम करेगी कुंभ घोटाले की जांच। 2018-19 में हुए कुंभ से जुड़ा है ये पूरा मामला। निर्माण विकास लाइटिंग के काम में भ्रष्टाचार का आरोप। प्रयागराज प्राधिकरण के तत्कालीन इंजीनियर्स पर है ये आरोप। बड़ी खबर है इस वक्त की, अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जाएगी। दरअसल कुंभ मेले से जुड़ी ये जो बड़ी खबर है वो सामने आ रही है। 2018-19 में हुए कुंभ से जो जुड़ा मामला है वो सामने यहाँ पर आया है, क्योंकि घोटाले की बात सामने आई है। इस पूरे दस्तावेज को मंगाया गया है प्रयागराज से लखनऊ, और इस पूरे दस्तावेज को देखने के बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से बड़ा घोटाला सामने आया है, तो लखनऊ से ये बड़ी खबर है, कुंभ घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। और सीधे आपको लखनऊ लिए चलेंगे, जहां पे संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। निखिल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि बड़ा घोटाला सामने आया है? बिल्कुल चांदनी, कुंभ के दौरान जो डेवलपमेंट कार्य हुए थे और लाइटिंग का खास करके काम हुआ था कुंभ के समापन के बाद, उसमें जो भुगतान किए गए थे उसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे। इलाहाबाद में तमाम लोगों ने सवाल खड़ा किया था प्रयागराज में कि जो घोटाला हुआ है कुंभ को, उसको लेकर जाँच होनी चाहिए। मामला कोर्ट भी पहुँचा था, जिसके बाद सरकार ने सख्ती दिखाई थी। इसमें चार सदस्यीय कमेटी सरकार ने बनाई थी, जो LDA के VC है उनके साथ और बाकी अन्य तीन लोगों को इस कमेटी का मेम्बर बनाया गया था। अब कमेटी ने 12 तारीख को प्रयागराज प्रशासन से इस पूरे मामले का इनपुट मांगा है, यानी प्रयागराज जो विकास प्राधिकरण है उससे पूरा इनपुट मांगा है। वो फाइलें मांगी हैं, वो दस्तावेज मांगे हैं जिनसे ये काम करवाए गए, जिनसे भुगतान किया गया, जिनसे टेंडर प्रक्रिया फॉलो की गई, उन तमाम कागजों को मंगवाया गया है। उम्मीद है कि ये कल तक ये पेपर पहुँच जाएंगे लखनऊ, और उसके बाद इस पूरे मामले में विस्तृत जाँच शुरू होगी। 5 इंजीनियरों को दोषी माना गया था प्राथमिक तौर पर, और उनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर। जब कुंभ का जो है समापन हुआ, उसके बाद इस बात को लेकर सवाल खड़े हुए कि जो झूसी पुल है उस पर जो लाइटिंग का मामला था या उसके आसपास के जो डेवलपमेंट का मामला था, जितना भुगतान किया गया उस हिसाब से काम नहीं हुआ। इससे पहले भी जब कुंभ की समापन होते रहे, इससे दौरान उसके बाद भी तमाम तरह के सवाल उठते रहे, लेकिन ये विशेष करके इस मामले पर ज़्यादा फोकस है सरकार का, चूँकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत महत्वपूर्ण विषय था कुंभ, और उसको लेकर लगातार वो बार बार समीक्षा भी कर रहे थे। वो साफ संकेत भी दे रहे थे कि किसी स्थिति में गुणवत्तापूर्वक काम होना चाहिए, जो काम हो उसी का भुगतान होना चाहिए। इसके बाद भी 5 इंजीनियरों ने इस पूरे मामले में खेल किया, और इसी खेल का जब खुलासा हुआ तो इस मामले में विस्तृत जांच शुरू की गई। चार, मैंने जैसे बताया कि सदस्यों की कमेटी बनाई गई है लखनऊ विकास प्राधिकरण की, जो इस पूरे मामले की समीक्षा कर रही है, जो अपनी रिपोर्ट इस मामले में पेश करेगी। इस कमेटी ने इलाहाबाद विकास प्राधिकरण से वो तमाम दस्तावेज मांगे हैं जिसके माध्यम से काम कराए गए हैं, जिसमें टेंडरिंग की प्रक्रिया फॉलो की गई। इसके साथ ही जो तमाम कंपनियां आई थी टेंडर में उनसे पूछा गया है, L1 कौन था ये पूछा गया है। इसके साथ ही किस पद्धति से भुगतान किया गया इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। यही नहीं, ये भी फाइलें मांगी गई हैं कि जो भुगतान किए गए उनके सापेक्ष काम हुआ कि नहीं हुआ, काम हुआ तो कितने प्रतिशत हुआ, उसकी गुणवत्ता क्या है, ऐसे तमाम सवालों के लिए वो फाइलें मंगाई गई हैं। निश्चित तौर पर कल ये फाइलें लखनऊ विकास प्राधिकरण पहुंच जाएंगे, और यह माना जा रहा है कि कल ही से इस प्रकरण में जांच शुरू हो जाएगी। बड़ा घोटाला है, करोड़ों रुपए का घोटाला है, इसलिए मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर बेहद गंभीर हैं। यही वजह है कि शिकायत मिलते ही इस पूरे मामले में कमेटी बना दी गई थी चांदनी। बिल्कुल निखिल, क्योंकि जब इस दस्तावेज के सामने आने के बाद जब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल होगी, किन किन पर यह आरोप है, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पा रही है निखिल? बिल्कुल, जो इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के 5 इंजीनियर हैं, उसमें खास करके विद्युत विभाग के जो इंजीनियर हैं उनको जांच के दायरे में लिया गया है। इसके साथ ही 2 निर्माण सेक्शन के इंजीनियर हैं उनको जांच में के दायरे में लिया गया, बाकी 2 और इंजीनियरों को जांच के दायरे में लिया गया जिन्होंने खास करके झूसी पुल पर लाइटिंग का काम कराया था। चूँकि अभी मामला जो है वो विचाराधीन है, इस मामले में लगातार जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है वो जाँच कर रहा है, अभी फाइलें प्राथमिक स्तर पर बुलाई गई हैं। ऐसे में 5 इंजीनियरों की भूमिका जो है वो संदिग्ध
बताई जा रही है। हालांकि ये लखनऊ विकास प्राधिकरण तय करेगा कि इन्हीं 5 इंजीनियरों की गलती से ये भुगतान हुए हैं, ये गलती से ये गुणवत्ता में कमियां आई हैं कि आखिर इसके पीछे कोई और वजह है। तो तमाम विषयों पर जब गहनता से जाँच होगी उसके बाद ये सामने आ पाएगा कि स्पष्ट रूप से दोषी कौन है। लेकिन फिर भी मैं ये बता दूँ कि 5 इंजीनियर जो है वो लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो कमेटी बनी है उसके संदेह के दायरे में है और इन्हीं 5 इंजीनियरों से जुड़ी हुई तमाम फाइलें मंगाई गई हैं। लेकिन पूरे जो विकास कार्य हुआ है खास करके कुंभ में उसको लेकर समीक्षा एक बार जरूर करेगा एलडीए। निश्चित तौर पर जो भी लोग दोषी हैं उनको समय से कार्रवाई मिले, यही मकसद भी है मुख्यमंत्री का, इसीलिए कमेटी को बनाया गया था। जी बिल्कुल निखिल, जैसा कि भी आपने बताया कि 5 इंजीनियर हैं जो कि दोषी पाए गए हैं। अब देखना यह होगा कि जब पूरी मामले की जांच पड़ताल की जाएगी तो और किसके नाम सामने आ सकते हैं। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए निखिल।